पटना में जल जमाव को लेकर अब सरकार के मंत्री आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, साथ ही वह बीजेपी नेताओं को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं। अब जदयू के नेता श्याम रजक ने सुशील मोदी और नंद किशोर यादव पर बड़ा हमला बोला है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि सुशील मोदी को सिर्फ राजेंद्र नगर नज़र आता है, सुशील मोदी को बयान देने के अलावा कोई काम नहीं। वहीं पटना जिला के प्रभारी मंत्री नंद किशोर यादव पर हमला बोलते हुए श्याम रजक ने कहा कि उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं, वह सिर्फ पटना सिटी का चिंता कर रहे हैं, पुनपुन और बाकी इलाकों से किसी को कोई मतलब नहीं। तो मिल रहा है कि पूरा का पूरा जो प्रशासन है या फिर पूरा सिस्टम है वो सिर्फ राजेंद्र नगर में नज़र आ रहा है, पुनपुन और इस इलाके में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र नगर के निवासी हैं और वो खुद परेशान थे, जिसके पास पूरे राज्य की चिंता होना चाहिए उनको सिर्फ राजेंद्र नगर की चिंता हो जाती है, होना भी चाहिए, वहाँ के निवासी हैं, उनके परिवार हैं, वहीं रहते थे। अभी कल मीटिंग हुआ, परसों भी मीटिंग हुई, हम लोग गए परसों मीटिंग, लेकिन वहाँ भी सिर्फ संप हाउस की और राजेंद्र नगर सैदपुर की चर्चा होती है। आज भी पाटलिपुत्रा में 4 फीट 7 फीट पानी वहाँ भी बढ़ा हुआ है, अभी राजेंद्र नगर में भी पानी है, कंकड़बाग में पानी है, लेकिन उप मुख्यमंत्री को सिर्फ राजेंद्र नगर की चिंता है, वो भी चिंता नहीं, सिर्फ अपना एक बयान देने के अलावा कोई काम नहीं। अगर वो चिंता रहते, नंद किशोर यादव जी पटना के प्रभारी मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि जो भी प्रभारी मंत्री वो अपने जहाँ बाढ़ आया वो अपने जिले में गए, तो उनको सिटी के चिंत से ज़्यादा चिंता नहीं। अब जल्ला भर गया, पूरी सब्जी बर्बाद हो गई, उसी तरह से पुनपुन अब जब ओवरफ्लो हो गया है, तो जिस बादशाही पैन से पानी जा रहा था पुनपुन में, अब बैक हो गया है, अब बैक हो रहा है, फिर थोड़ा दिन में स्थिति और भयावह होगी।